गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु शर्मा है। मैं लेक्चरर हूँ कंप्यूटर साइंस का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा में। आज हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक सी प्रोग्राम जो जब लिखा जाता है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को हम समझने के लिए चार चीज़ें समझनी पड़ेगी हमें: कमेंट लाइन, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन और मेन फंक्शन को। इन चारों की हेल्प से एक सी प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है। इनको समझने के बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे कि एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में फर्स्ट जो मेन चीज़ है वो है कमेंट लाइन। कमेंट लाइन आप काम में लेते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टार, इनके बीच में जब भी कोई चीज़ लिखी जाती है उसे कमेंट कहते हैं। ये हमारे कोड को रीडेबल बनाने के काम में आता है। जब भी आप फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश के बीच में जो भी चीज़ लिखते हैं वो कमेंट लाइन कहलाती है। ये कोड कंपाइलर रन नहीं करता है, ये जस्ट आपके प्रोग्राम को आप समझाने के लिए लिखते हैं। इससे आपके कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है, इससे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं अपने प्रोग्राम को कि आपने प्रोग्राम की इस लाइन में क्या काम में लिया है और क्यों काम में लिया है। आप इसे कहीं भी काम में ले सकते हैं प्रोग्राम को समझाने के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर लाइन को कमेंट लाइन की हेल्प से। आपको फॉरवर्ड स्लैश स्टार लिखने के बाद आप अपना कमेंट लिख सकते हैं और लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश, ताकि कंपाइलर समझ सके कि इन दोनों के बीच में जो लिखा हुआ कोड है वो कमांड लाइन से रिलेटेड है। वो जस्ट आपके प्रोग्राम को एलैबोरेट करने के लिए, समझाने के लिए आपने लिखा है। दूसरा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये आपके कंपाइलर को हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करने के काम में आते हैं। यहाँ से इनकी हेल्प से आप क्या करते हैं, कंपाइलर को ये बताते हैं कि मैं ये हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम में क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हमारे प्रोग्राम के अंदर जब भी यूज़ करते हैं हेडर फाइल्स को तो किस तरीके से करते हैं, हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच। जैसे हमने पहली एक हेडर फाइल काम में ली, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर जितने प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं हम उन्हें डायरेक्ट अब हमारे प्रोग्राम के अंदर काम में ले सकते हैं, क्योंकि हमने ये हेडर फाइल इंपोर्ट कर ली हमारे प्रोग्राम में। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की हेल्प से हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि हम कौन कौन सी हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। हम इसकी हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट हेडर फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हैश डिफाइन पीआई, जैसे आप देख पा रहे होंगे हैश डिफाइन पाई पीआई पाई 3.14, हम किसी वेरिएबल को भी यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। जैसे पाई की वैल्यू को 3.14 को हमने हमारे प्रोग्राम में डिफाइन कर दिया शुरुआत के अंदर ही। तो इस तरीके से हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को काम में लेते हैं। थर्ड पॉइंट है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन से मीनिंग है हम कोई भी वेरिएबल जिसे पूरे प्रोग्राम के अंदर बने हुए सारे फंक्शन काम में ले सके, उस वेरिएबल को हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं मेन से पहले। तो इसे कहा जाता है ग्लोबल डिक्लरेशन। थर्ड है मेन फंक्शन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये मेन फंक्शन होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन।
मतलब हमें जो काम करना होता है, जो काम सी प्रोग्राम की हेल्प से हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है वो हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। मेन फंक्शन के डिक्लरेशन का जो तरीका है वो तरीका है मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप पहले लिखते हुए, यानी मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप, फिर मेन फंक्शन और फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, और उसके बीच में मेन फंक्शन का जो प्रोग्राम, जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है वो सी का प्रोग्राम, और लास्ट के अंदर मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस के थ्रू बंद। मेन फंक्शन एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, वैसे तो हम इसे कहीं भी लिख सकते हैं लेकिन स्टैंडर्डली हम ग्लोबल डिक्लेरेशन के बाद में मेन फंक्शन को काम में लेते हैं। मेन फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न भी कर सकता है किसी तरह की, और नहीं भी कर सकता। अगर वो किसी तरह की वैल्यू रिटर्न करता है तो उसका डेटा टाइप लिख देते हैं हम, जैसे इंट मेन फंक्शन और कर्ली ब्रेसेस चालू, ताकि मेन फंक्शन, इससे ये पता लगता है कि मेन फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है लास्ट में। और अगर किसी तरह की कोई वैल्यू अगर रिटर्न नहीं करता है तो हम उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं लिखते, बाय डिफ़ॉल्ट वो वॉइड ही रहता है। वॉइड मीन्स खाली, यानी किसी तरह का मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अब हम एक प्रोग्राम की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये चारों को यूज़ में लेकर हम कैसे एक सी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कमेंट लाइन जो है वो कोई कंपलसरी नहीं है, वो जस्ट हमारे कोड को रीडेबल बनाने के लिए यूज़ ली जाती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमें ज़रूर काम में लेने होते हैं, कंपलसरी होता है वो। ग्लोबल डिक्लेरेशन भी कोई कंपलसरी नहीं है, उसे अगर हमारे को ज़रूरत हो हमारे प्रोग्राम में तो हम काम में लेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं लेंगे। मेन फंक्शन तो कंपलसरी है ही है। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये देखेंगे कि इन चारों को यूज़ करके हमने सी का स्ट्रक्चर कैसा बनाया। तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। हमें क्या कराना है, एक सी प्रोग्राम बनाना है जो कि प्रिंट करा सके दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो इसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा, हमने कोई कमेंट अभी इसमें काम में नहीं लिया, हम चाहते तो ले सकते थे। हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव काम में लिए, हमने पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को काम में लिया, हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमने हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि हमें प्रिंट करवाना था और प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से हम प्रिंट करवा सकते हैं हमारे कंसोल के ऊपर आउटपुट को, और इस फंक्शन की डेफिनेशन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में पहले से ही दी हुई है, ताकि हम प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इन्हें डायरेक्टली हम क्या कर सके, काम में ले सके। इसलिए हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट किया। तो हमने हेडर फाइल लिखी, उसके बाद मेन फंक्शन को चालू किया। मेन फंक्शन को चालू करने का तरीका, मेन फंक्शन लिखने के बाद हमें कर्ली ब्रेसेस से इसे ओपन करना होता है। इसके बाद हमने प्रिंट एफ लिखा सीधे, दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, और हमने इसको सेमी कॉलन से प्रिंट एफ फंक्शन को बंद किया, फिर कर्ली ब्रेसेस से मेन फंक्शन बंद किया। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।